हेलो दोस्तों, तो आज हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं बायोलॉजी का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, नाइन्थ क्लास। तो आज हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नोट लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये सेल है, ये किसने बनाया और इसके पीछे क्या क्या हुआ। तो हम जानते हैं सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में बनाया, जो कि ट्री के कॉर्क में। तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, इसको बनाया था। किस में देखा था उन्होंने? कॉर्क में डेड सेल्स को देखा था, जो कि एक छोटे छोटे कमरे जैसे थे। तो उन्होंने बताया, फिर एक कंपोज किया वर्ड सेल। तो ये सेल उन्होंने लैटिन वर्ड में एक लिटिल रूम के को बताया, जो कि जो चोर थे उनको वहाँ पर रखा जाता था। तो उसके बाद ये बहुत ही एक छोटा इंसिडेंट था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था हिस्ट्री ऑफ साइंस से, साइंस के हिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही अच्छा चीज़ आने वाला है जिससे आज सब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं। तो ये एक्टिविटी दे रखा है, इसमें ये बताया है कि एक ओनियन सेल को स्टडी किया गया है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता किया गया है। आपको ये नाम याद रखना होगा, सेफ्रनिन। ये एक टाइप का, क्या बोलते हैं, कलर करके एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए एक डाई है, एक टाइप का जिससे हम ऑर्गेनिज्म के हर एक पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो अब अगला आता है माइक्रोस्कोप के बारे में। तो देखिए माइक्रोस्कोप क्या है, ये स्टडी होता, टू स्टडी सेल वी यूज माइक्रोस्कोप्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है। और ये एक ओनियन सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो छोटा सा डॉट है ना, तो ये न्यूक्लियस है, और ये जो बड़े बड़े ये जो है ये सेल्स हैं। ये एनसीईआरटी चैप्टर से ले रहा हूँ मैं। आगे फिर अब ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, लेकिन जो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर है ना, वो एक ओलियन बल्ब की तरह है, बहुत बड़ा बड़ा है। तो हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है कि हर एक ओलियन अलग अलग साइज के हैं, बट इनके एक ही स्ट्रक्चर है, इनके अंदर एक ही चीज है। और इससे हम कंपोज कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, तो अब हम इसके डेवलप, मतलब ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें ये है कि रॉबर्ट हुक ने इसको पहले डिस्कवर किया थिन कॉर्क के स्लाइस में, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। फिर लेवेनहक ने इसमें किया कि और माइक्रोस्कोप अच्छे आने लग गए, तो उन्होंने लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर पुरकिन जी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस और एक सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो वो लिविंग पार्ट होता है ना, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और उसे फ्लूड पार्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है। फिर जो सेल थ्योरी है, जिसमें बताया जाता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो बताता है कि ये जो सेल थ्योरी है वो स्क्लीडन और स्कवान ने 1838 और 1839 में मिलकर इसको किया। फिर विरको आए और उन्होंने सजेस्ट किया कि सेल्स जो है अपने पहले वाले रूप से ही बनते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब 1940 में आया, उसके बाद हम और अच्छे से समझ पाए सेल्स को। तो आज के पहले लेक्चर में हमने इतना मेनली जानना कि सेल्स को कैसे किसने बनाया। अगले वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।